हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे फाइव क्वेश्चन दिए गए हैं हम एक एक करके पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ पेंजीन सी सिक्स एच सिक्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर इफ ट्वेंटी ग्राम ऑफ बेंजिन इज डिजोल्व इन वन हंड्रेड ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है किसका बेंजिन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का और मास परसेंटेज हम लोग पढ़ रखा है मास बाई मास वेट बाई वेट परसेंटेज मास परसेंटेज निकालना है यानी कि मास परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वेट बाई वेट परसेंटेज इज कल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ दॉल्यूशन इन टू हंड्रेड बात समझने वाली यह है यहाँ पे कि हमें परसेंटेज जो निकालना है वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया हुआ है बेंजिन दिया है ट्वेंटी टू ग्राम क्या है बेंजिन हमारा सॉल्यूट है सॉल्वेंट क्या है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया है वन हंड्रेड ट्वेंटी टू ग्राम हमको सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालना है मास परसेंटेज हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ठीक है तो हमारा सॉल्यूशन तो दिया नहीं है कितना है तो हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन कितना ग्राम है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा तो यहाँ ट्वेंटी ग्राम प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी टू कितना टोटल सॉल्यूशन निकल जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर ग्राम सॉल्यूशन हमारा निकला ठीक है तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन का परसेंटेज और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का परसेंटेज निकालना है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं तो क्या हो गया फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट क्योंकि सॉल्यूट है हमारा बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड ट्वेंटी टू ग्राम अपॉन वन हंड्रेड फोर्टी फोर ग्राम इन टू हंड्रेड जब ग्राम से ग्राम कट जाएगा उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा फिफ्टीन पॉइंट टू एट परसेंट किसका आ गया मास परसेंट ऑफ बेंजिन ठीक है मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर बेंजिन का परसेंटेज कितना हुआ फिफ्टीन पॉइंट टू एट परसेंट अब हमें जो परसेंटेज निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट के जगह पर सॉल्वेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास द सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड तो कितना है सॉल्वेंट 122 ग्राम अपॉन 144 ग्राम इन टू तो परसेंटेज मेरा कितना निकल कर आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 84.72 परसेंट ठीक है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 परसेंट बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसका बेंजीन का जो कि थर्टी परसेंट कंटेनिंग बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड है मतलब कि इस सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन जो है थर्टी परसेंट डिजॉल्व है थर्टी परसेंट कहने का मतलब थर्टीन परसेंट बाई मास कहने का मतलब है थर्टी ग्राम बेंजीन ठीक है थर्टी ग्राम बेंजीन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है तो जब हमारा बेंजीन थर्टी ग्राम है और सॉल्यूशन हमारा हंड्रेड ग्राम है तो हमारा सॉल्वेंट निकल जाएगा 100 माइनस थर्टी तो 70 ग्राम का सॉल्वेंट रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट हम निकाल ही सकते हैं सॉल्यूशन 100 में से घटा के इसको 70 ग्राम ठीक है अब देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इसमें भी क्या करना है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा है अब देखिए अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो यहाँ पे मोल्स पहले फाइंड आउट करेंगे हम किसका बेंजिन का तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास गिवेन मास मास मतलब गिवेन मास जो दिया गया मास है डिवाइडेड बाई मोलर मास हम लोग निकालते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं बेंजीन का, यानि C6, का, कि पे देखिए कार्बन कितना है सिक्स है यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बारह यहाँ पे छ है तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है वन यहाँ पे छ हाइड्रोजन है तो छः हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सेवेंटी एट ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास किसका बेंजीन का ठीक है उसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है एक है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बारह तो ट्वेल्व इंटू वन प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है चार है तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा और इसको थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हंड्रेड फोर्टी टू और हमारा जो मोलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकल कर आता है वो है वन हंड्रेड फिफ्टी फोर ग्राम पर मोल ठीक है मोलर मास तो हमने निकाल लिया अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ़ बेंजीन, बेंजीन का मोल निकालेंगे हम तो गिवन मास कितना दिया है हमारा यहाँ पे देखिए थर्टी ग्राम दिया गया है बेंजीन का और मोलर मास हमने निकाल लिया है सेवेंटी एट ग्राम पर मोल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेंजीन का मोल कितना निकल जाएगा जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव मोल ठीक है उसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिभेन मास यानी कि सेवेंटी हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है सेवेंटी ग्राम ये जो है गिवन मास है और डिवाइडेड बाय और इसका हमने मोलर मास निकाला सी सी एल फोर का वन हंड्रेड फिफ्टी फोर ग्राम पर मोल ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव फोर मोल आएगा ठीक है तो अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका बेंजीन का तो मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अब यहाँ पे देखिए जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव किसका मोल है बेंजिन का और डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ बेंजिन उतना ही होगा और मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी कितना निकाला हमने जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर ठीक है जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा जीरो पॉइंट फोर फाइव एट इतना मात्रा जो है बेंजीन का इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ठीक है इस फ्रैक्शन के अंदर मौजूद है समझ में आई बात क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन पहला क्वेश्चन है थर्टी ग्राम ऑफ कोबाल्ट डाइनाइट्रेट इनटू इंटू सिक्स एच टू इन फोर पॉइंट थ्री लीटर ऑफ सोल्यूशन दूसरा क्वेश्चन दिया गया है थर्टी एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोलार एस टू एस फोर डायल्यूटेड टू फाइव हंड्रेड एम एल तो चलिए एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं नंबर ए में क्या दिया गया है थर्टी ग्राम ऑफ कोबाल्ट डनाइट्रेट इंटू सिक्स एच टू ओ इन फोर पॉइंट थ्री लीटर ऑफ तो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ग्राम में दी गई है तो हम इसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें कन्वर्ट करने के लिए पहले मोलर मास की आवश्यकता हो होगी तो सबसे पहले हम सी ओ एनओ थ्री का होल टू इंटू सिक्स एस टू का पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे यहाँ कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है फिफ्टी नाइन यहाँ पे कोबाल्ट की संख्या कितनी है एक है तो यहाँ फिफ्टी नाइन इंटू वन फिर ये हॉल है एनओ थ्री तो एनओ थ्री का वैल्यू पुट करेंगे यानी नाइट्रोजन का एटोमिक मास फोर्टीन होता है इस यहाँ पर फोर्टीन प्लस ऑक्सीजन का एटोमिक मास होता है सिक्सटीन कितनी ऑक्सीजन की संख्या है तो तीन है तो इसको तीन से मल्टीप्लाई करेंगे हॉल में इंटू क्या है टू तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ पे सिक्स फिर इनटू करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन का एटोमिक मास कितना होता है वन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दो तो दो हाइड्रोजन दो का एटोमिक मास टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑक्सीजन कितना है एक है यहाँ पे ऑक्सीजन का एटोमिक मास कितना होता है सिक्सटीन तो सिक्सटीन इंटू वन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये फिफ्टी नाइन आ जाएगा फिफ्टी नाइन इंटू वन फिफ्टी नाइन और जब आप इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिक्सटी टू आ जाएगा इंटू टू प्लस सिक्स इंटू अब इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो एटीन आएगा अब इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारा टू नाइन्टी वन ग्राम पर मोल आ जाएगा ठीक है इसका मोलर मास जब हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया तो हम इसका मोल्स भी निकाल सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूट का कितना हो जाएगा तो गिवन मास कितना है थर्टी ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने निकाल लिया 291 ग्राम पर मोल ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.13 मोल अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया जिसका वैल्यू पुट करेंगे और हमें सॉल्यूशन की मात्रा लीटर में दी ही दी ही गई है फोर लीटर तो फोर लीटर से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो मोलारिटी निकल कर आता है जीरो पॉइंट जीरो टू फोर मोल पर लीटर इसका आंसर आएगा ठीक है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोलारिटी फाइंड आउट करना है थर्टी एम ऑफ़ जीरो पॉइंट फाइव मोलार एस टू एस ओ फोर डायल्यूटेड टू फाइव हंड्रेड एम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं देखिए क्या कह रहा है कि जब एस टू एस ओ फोर किसी सॉल्वेंट के साथ मिलकर एक सोल्यूसन तैयार होता है एस टू एस ओ फोर थर्टी एम एल का सोल्यूशन तैयार हुआ है ठीक है इस थर्टी एम एल सोल्यूशन का मोलार हमको दे दिया है मोलारिटी कितना ज़ीरो पॉइंट फाइव एम ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है कि जब इसी सॉल्यूशन को दोबारा से डाइल्यूट किया जाता है तब वो जो तैयार सॉल्यूशन होगा पाँच सौ एम एल का पाँच सौ एम एल तक मतलब डाइल्यूट किया जाता है तब हमें डाइल्यूट करने के बाद उसका मोलारिटी को फाइंड आउट करना है ठीक है तो चलिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन होगा तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पे एम वन दिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव मोलार मोलारिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है अब यहाँ दो तरह से बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दो कंडीशन यहाँ पे आ गया तो बिफोर डाइल्यूशन एम वन इज कल टू मोल ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन वन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वी वन ठीक है तो और आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा एम टू हमको फाइंड आउट करना है मोलारिटी और यहाँ पे क्या बात होती है कि एन टू जो है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर होगा बिफोर डाइल्यूशन जो था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसके बराबर ठीक है क्योंकि हम सॉल्यूट की मात्रा उतना ही ना है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि हम इसमें सॉल सॉलवेंट की मात्रा को कंसंट्रेशन बढ़ा के उसको डाइल्यूट कर रहे हैं हमारा तो सॉल्यूट उतना ही है तो इसलिए हमारा सॉल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम ही होगा यानी एन वन इज कल टू एन टू तो एन टू का वैल्यू क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या होगा एम टू टू जब एन वन इजकल टू एन टू होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं एम वन वी वन टू एम टू वी टू अब इसी फॉर्मूला पे हम अपना वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए एम वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है एम वन का वैल्यू है हमारा जीरो पॉइंट फाइव मोलार तो जीरो पॉइंट फाइव मोलार हमने यहाँ पे लिख दिया और वी वन वॉल्यूम मैंने बिफोर डाइल्यूशन कितना था थर्टी एम तो यहाँ पे थर्टी एम हमने लिख लिया और फिर हमें मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन का फाइंड आउट करना है तो एम टू लिख दिए वी टू यानी फाइव हंड्रेड एम क्योंकि हम इस थर्टी एम को फाइव हंड्रेड एम तक उसका वॉल्यूम कंसनट्रेशन बढ़ा कर किए हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी टू फाइव हंड्रेड एम दिया हुआ है अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एम टू स्क्ल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव मोलार इंटू थर्टी एम एल डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड एम एल क्योंकि ये फाइव हंड्रेड इधर डिवाइड में चला जाएगा तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एम एल से एम एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट गया अब यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री एम डिवाइडेड बाई हंड्रेड स्क्ल टू कितना हो जाएगा इसका वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो थ्री मोलार आंसर आएगा हमारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया एन एस टू सी ओ एन टू रिक्वायर्ड इन मेकिंग टू पॉइंट फाइव के जी ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव मोलाल एक्वास सोल्यूशन हमें मास ऑफ यूरिया को फाइंड आउट करना है अब यहाँ पे देखिए मोलालिटी इजकअल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट क्योंकि मोलालिटी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकलता है ठीक है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन इसकल टू क्या होता है गिवेन मास यानी डब्ल्यू अपॉन मोलर मास अब मोलर मास हम लोग यूरिया का निकाल लेते हैं यहाँ पे यूरिया का मोलर मास जब आप निकालेंगे कैलकुलेट करके तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास फोर्टीन नाइट्रोजन की संख्या कितना है वन इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कार्बन का एटॉमिक मास ट्वेल्व इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पे वन है फिर प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है एक है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सोलह होता है तो इसको सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन है नाइट्रोजन की संख्या कितनी है एक है तो फोर्टीन इंटू वन प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दो है और हाइड्रोजन का एटोमिक मास वन होता है तब तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिक्सटी ग्राम पर मोल आ जाएगा यूरिया का मोलर मास अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज टू मास ऑफ द सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया नहीं है इसलिए हम W को ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये मास ऑफ द सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय 60 ग्राम पर मोल ठीक है वो मोलारिटी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही 0.25 ठीक है तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट अब मास ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे मास ऑफ द सोल्यूशन माइनस मास ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते हैं इस तरह से इस मोलालिटी के फॉर्मूले में हम सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं मोलालिटी हमारा कितना दिया गया है जीरो पॉइंट टू फाइव तो हमने यहाँ पे जीरो पॉइंट टू फाइव लिख दिया अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया है कितना आया है डब्लू बाई सिक्सटी ग्राम पर मोल आया है ठीक है तो डब्लू बाई सिक्सटी उसके बाद फिर डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन कितना हमारा गिवन है टू पॉइंट फाइव के जी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे ये टू पॉइंट फाइव के जी के जगह पर मैंने यहाँ पे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ग्राम और ऊपर में वन थाउजेंड ग्राम से मल्टीप्लाई किया है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये वैल्यू आखिर आया कैसे तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को लाने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूट क्या था हमारा W बाई सिक्सटी ग्राम मोल था और हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया था कितना 2.5 पॉइंट फाइव के जी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट हमारा गिवन नहीं था तो हमने यहाँ पे W को ही एज्यूम किया था अब ये ग्राम में है तो इस W को भी हमें ग्राम में ही लेना पड़ेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे थाउजेंड से डिवाइड किया है अब थाउजेंड से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ वन थाउजेंड आएगा और वन थाउजेंड से ये टू पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस आएगा अब क्या होता है कि मैथमेटिक्स में इस तरह से मल्टीप्लाई होता है ठीक है तो W थाउजेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिक्सटी मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस से ठीक है तो फिर इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हंड्रेड से ये सिक्सटी का ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा अब इसको और आगे जब आप सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव अपॉन टेन हो जाएगा क्योंकि वो जीरो कैंसिल आउट हो गया था अब यहाँ पे देखिए आप ये जो सिक्स है ये इन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा सिक्स को ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन थाउजेंड आ जाएगा माइनस सिक्स इंटू डब्ल्यू सिक्स डब्ल्यू आ जाएगा ठीक है फिर जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका वैल्यू इस तरह से निकल कर आएगा ट्वेंटी फाइव इंटू ये पूरा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और ये टेन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये ट्वेंटी फाइव से ये थाउजेंड कट जाएगा फोर्टी से अब यहाँ पे देखिए ये फिफ्टीन थाउजेंड माइनस सिक्स डब्ल्यू इज्कल टू जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हंड्रेड डब्लू आएगा उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये सिक्स माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो फोर हंड्रेड सिक्स हो जाएगा w और डब्ल्यू इज्कल टू कितना आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड सिक्स डब्लू की वैल्यू क्या आ जाएगी थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन फोर फाइव ग्राम तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ यूरिया हमारा कितना आ गया थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन फोर फाइव तो इतना यूरिया की आवश्यकता होगी हमें टू पॉइंट फाइव के जी का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए जिसका मोलाल जीरो पॉइंट टू फाइव एक्वास सॉल्यूशन था ठीक है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलालिटी मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ ट्वेंटी परसेंट मास बाई मास के आई इज वन पॉइंट टू जीरो टू ग्राम पर मिलीलीटर ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ ट्वेंटी परसेंट मास बाई मासवस सोल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का यानी ट्वेंटी परसेंट मास बाई मास कहने का मतलब है कि ट्वेंटी ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है इस सोल्यूशन के अंदर हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन के अंदर जिसकी डेंसिटी अब यहाँ पे डेंसिटी इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है वन पॉइंट टू जीरो टू ग्राम पर मिलीलीटर ठीक है तो अब इसी में हमको क्या फाइंड आउट करना है मोलालिटी मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन ठीक है तो चलिए अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला पहले देख लें तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी अब यहाँ पे देखिए ट्वेंटी परसेंट मास बाय मास कहने का मतलब है इसे हम ट्वेंटी परसेंट ऑफ मास बाई मास को हम लोग डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी के आई कह सकते हैं अब यहाँ पे देखिए ट्वेंटी ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये तो हमें पता है ट्वेंटी परसेंट मास बाई मास का मतलब क्या होता है कि ट्वेंटी ग्राम हमारा सॉल्यूट है यानी पोटेशियम आयोडाइड है जो कि हंड्रेड ग्राम के सॉल्यूशन में घुला हुआ है ठीक है तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ ट्वेंटी ग्राम जब सॉल्यूट है और सॉल्यूशन हमारा हंड्रेड ग्राम है तो हम इससे हम सॉल्वेंट की मात्रा निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ठीक है अब यहाँ पे देखिए तो हंड्रेड में से जब आप इसे माइनस कर देंगे ट्वेंटी को तो हमारा सॉल्वेंट निकल कर आ जाएगा तो सॉलवेंट कितना निकलेगा एट्टी ग्राम का सॉलवेंट निकलेगा अब हमें मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो मोल्स ऑफ के आई कैसे निकालेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा ट्वेंटी ग्राम दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास वन सिक्स सिक्स ग्राम पर मोल अब ये मोलर मास कैसे निकाला वो भी देख लेते हैं मोलर मास ऑफ के आई कैसे निकाले मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है थर्टी नाइन और यहाँ पे पोटेशियम की संख्या कितनी है एक है तो इसलिए एक से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर आयोडीन आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127. अब यहाँ पे आयोडीन की संख्या कितनी है एक है इसलिए एक से मल्टीप्लाई किया जब आप इसके सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल ठीक है यहाँ पे अब हम लोग मोलालिटी के फार्मूले पर सभी वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितना निकाला था ट्वेंटी अपॉन वन मोल ठीक है अब यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारा कितना है हमने निकाला है एट्टी ग्राम अब एट्टी ग्राम को अब हमें के में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में लेना है तो इसलिए वन थाउजेंड से डिवाइड कर दिए ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये केजी बन जाएगा ठीक है अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ट्वेंटी डिवाइडेड बाय वन सिक्स सिक्स मोल इंटू थाउजेंड ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय एट्टी केजी जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये जीरो से ये जीरो कट गया टू से जब आप वन सिक्स सिक्स को डिवाइड करेंगे तो एट्टी थ्री आ जाएगा अब एट्टी थ्री इंटू एट कितना हो जाएगा सिक्स सिक्स फोर इसे यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिए वन थाउजेंड सॉल्व करेंगे तब तो आपका मोलारिटी निकल कर का आएगा वन पॉइंट फाइव जीरो सिक्स मोल पर केजी ठीक है तो अब हम फाइंड करने वाले हैं इसी क्वेश्चन में मोलारिटी को ठीक है अब मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड आउट कर ही लिया है पोटेशियम आयोडाइड का कितना ट्वेंटी अपॉन वन सिक्स सिक्स मोल ठीक है अब इस क्वेश्चन में हमें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया है अब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर तो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में लेकिन हम लोग को डेंसिटी यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन के अंदर तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम का पता कर सकते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर लीजिए डेंसिटी हमारा कितना दिया गया है क्वेश्चन में वन पॉइंट टू ज़ीरो टू ग्राम पर मिलीलीटर लीटर टू मास किसका डेंसिटी कौन सा मास होगा सोल्यूशन का मास होगा ठीक है तो सोल्यूशन का मास कितना है हंड्रेड ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन का दिया गया है ठीक है ना कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का ठीक है तो डेंसिटी को हम यहाँ पे मास जो लेंगे वो सॉल्यूशन का मास लेंगे ठीक है अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा ये वी इज्कल टू कितना हो जाएगा हंड्रेड अपॉन वन पॉइंट टू ज़ीरो टू मिली लीटर अब हमें लीटर में चाहिए तो वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे इसको मिली लीटर मिली लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू आपका निकल कर आएगा एट्टी थ्री पॉइंट वन नाइन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री तो यहाँ से हमने डेंसिटी के फॉर्मूले से हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिया अब मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं आसानी से तो मोलारिटी इज कल टू तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मोलारिटी निकल कर आएगा वन पॉइंट फोर फाइव मोल पर लीटर ठीक है अब हम इसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि के आई है हमने इसे फाइंड आउट कर ही लिया है ट्वेंटी अपॉन वन सिक्स सिक्स मोल अब जब आप इसे अब इसी वैल्यू को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो जीरो पॉइंट वन टू जीरो मोल आ जाएगा ठीक है अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि एस टू अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज कल टू क्या हो जाएगा मास बाय मोलर मास एस टू ओ का निकाल रहे हैं तो मास कितना दिया गया है एस टू ओ का हमने फाइन कर लिया है एट्टी ग्राम अब यहाँ पे देखिए मोलर मास कितना हो जाएगा एस टू ओ का एट्टीन तो एट्टीन कैसे आया वो देख लेते हैं मोलर मास ऑफ एस टू ओ देखो यहाँ पे कैसे निकाला हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे दो और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है एक तो वन इंटू टू मल्टीप्लाई कर दिया प्लस और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सिक्सटीन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है वन अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो एट्टीन ग्राम पर मोल आ जाएगा तो इसीलिए हमने यहाँ पे मोलर मास एटीन ग्राम पर मोल लिखा ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा यानी एट्टी डिवाइडेड बाई एट्टीन मोल हमारा स्टू आ जाएगा जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फोर पॉइंट फोर 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 आ जाएगा ठीक है मोल अब मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में अब इसे पुट कर देते हैं यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि के आई का मोल डिवाइडेड बाई के आई का मोल प्लस एस टू ओ का मोल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो फोर पॉइंट फाइव सिक्स फोर मोल आ जाएगा मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ़ के आई निकल कर आता है जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स थ्री यानी कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर हमारा पोटेशियम आयोडाइड जो है जीरो पॉइंट ज़ीरो टू सिक्स थ्री मात्रा में मौजूद है इतना फ्रैक्शन में मौजूद है ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर